मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन आवर लेटर राइटिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर जॉब। वी हैड ऑलरेडी डन एप्लीकेशन फॉर जॉब बट एट दैट टाइम मैनी स्टूडेंट्स वर नॉट अटैच विद अस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन एप्लीकेशन फॉर जॉब। हाउ टू राइट इफ यू वॉन्ट टू सम जॉब, how to apply them. Now beta, there is format and you have to write according to this format. First of all, what's the topic? Topic is beta, write an application for the post of receptionist advertised in a national newspaper by JKL Publishers, Peshwa Road, Pune. Now beta, first of all, you want a job of receptionist. आपको एक जॉब चाहिए एज अ रिसेप्शनिस्ट। एंड फ्रॉम वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिली आपको नेशनल न्यूज़पेपर से। एंड कहाँ पर जॉब चाहिए, जे के एल पब्लिशर्स के यहाँ आपको जॉब चाहिए। ये दिस इज द एड्रेस ऑफ जे के एल पब्लिशर्स एंड यू आर करुणा, इट्स योर एड्रेस करुणा M114 मालवा। नाउ बेटा देर आर टू एड्रेसेस, वन एड्रेस योर जो आप लिखने वाले हैं एंड सेकेंड एड्रेस इज वेयर यू वॉन्ट द जॉब, जहाँ आपको जॉब चाहिए। तो योर नेम इज करुणा एंड यू लिव ऑन M14 माल रोड पुणे। यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी, दिस इज द साउथ यूनिवर्सिटी एंड हैव डन, आपने दूसरा भी कोई कोर्स किया हुआ है। इट मीन्स यू हैव टू टेल यूर इन कंप्लीट क्वालिफिकेशन इफ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब। दिस इज द टॉपिक। टॉपिक से आपको क्या क्या पता चला, टॉपिक से हमें पता चला इमेजिन यू आर करुणा, योर एड्रेस एंड द एड्रेस हुम यू वॉन्टेड टू राइट द लेटर। तो यहाँ दो एड्रेस है एंड विच टाइप ऑफ जॉब यू वॉन्टेड, विच टाइप ऑफ जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेटर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस एंड यू आर करुणा, सो राइट योर एड्रेस M114 माल रोड पुणे। दिस एड्रेस इज मेंशन इन द टॉपिक, यू हैव टू राइट दिस सेम एड्रेस हियर, सेम एड्रेस आपको यहाँ राइट करना है। आफ्टर दिस बेटा यू हैव टू स्किप वन लाइन, यहाँ आप एक लाइन छोड़ देंगे स्किप करनी है एंड मेंशन द डेट। यू कैन मेंशन द डेट एनी, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द टॉपिक यू कैन राइट, कोई भी आप डेट राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया 1 मार्च 2020। आफ्टर दिस हुम यू आर राइटिंग द लेटर, विच पर्सन यू आर राइटिंग द लेटर, JK पब्लिशर पेशवा रोड पुणे। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द टॉपिक, सो राइट हियर JKL पब्लिशर्स पेशवा रोड पुणे। अब देखिए बेटा यहाँ आपका खुद का एड्रेस हो गया, डेट हो गई एंड होम यू आर राइटिंग द लेटर। आफ्टर दिस कीप इन माइंड बेटा योर सीक्वेंस रिमेन सेम एंड ये आपकी जो लाइन है ये सीरीज में जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये आपने आगे लिख दिया या आपने पीछे लिख दिया, नो, एक सीक्वेंस में होना चाहिए एंड सीक्वेंस ऑफ योर एड्रेस डेट एंड होम यू आर राइटिंग एट लेटर विल बी रिमेन सेम, ये भी सेम रहेगा। आफ्टर दिस बेटा अगेन स्किप अ लाइन, एक लाइन छोड़नी है, मेंशन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। कहा था ना मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट यू वांटेड अ जॉब, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। आफ्टर दिस स्किप अनदर लाइन एंड राइट रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए रिस्पेक्टेड सर में आर कैपिटल, सर का एस कैपिटल, रिस्पेक्टेड। जब भी आप एज अ एम्प्लॉय हो देन यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड सर, नेवर राइट डियर सर। इन ऑफिशियल लेटर यू कैन राइट डियर सर बट इन एप्लीकेशन यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड सर एंड आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन द कोमा। कोमा देखिए पूरे लेटर में कहीं कोमा नहीं है, ओनली आफ्टर सर यू हैव टू मेंशन द कोमा एंड स्किप अनदर लाइन। नाउ यू हैव टू मेक टू स्टैंजास और थ्री स्टैंजास। देखिए इन द फर्स्ट स्टैंजा आप क्या राइट करेंगे, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन
Theater Practice Course from YWCA Mumbai. First of all, you have to tell your qualification. आप अपने क्वालिफिकेशन बताएंगे. I have been working as a receptionist with Gupta and Sons Textile Limited. After this, you have to tell your current working place. Where you are working now? तो आप अपनी वर्किंग के बारे में बताएंगे. You have to tell only two or three lines in the first tense. First tense में you have given only important things like your qualification, your current job place. कहाँ job कर रहे हैं. After this बेटा you have to mention आप अपना resume. My resume has been attached here. You have to tell your resume has been attached here with. साथ में आप लिखेंगे my qualification also mention in there. That is तरह से आप write करते हैं. इन द थर्ड स्टेंजा में आप होप करेंगे. आई होप यू विल गिव द आंसर इन वेरी वेरी शॉर्टली. बड़ी ही जल्दी आप आंसर देंगे. आफ्टर दिस बेटा थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली या योर सिंसियरली. सिंसियरली राइट करेंगे थैंक यू. उसके बाद आप अपना नेम मेंशन करेंगे. आफ्टर दिस बेटा दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन. आफ्टर द एप्लीकेशन देखिए आप इसको कंप्लीट करेंगे. हम थैंकिंग यू करके थैंकिंग यू योर फेथफुल. आफ्टर दिस आप क्या मेंशन करेंगे. यहाँ नेम नेम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग हैंड से करना. आफ्टर दिस कैपिटल लेटर्स में करूंगा. आपका लेटर कंप्लीट हो गया. आफ्टर कंप्लीटिंग द लेटर You have to make the resume. आपको resume बनाना है. And what things you have to in write in resume? First of all, mention the name, father's name, date of birth, residential address. It means current address. Contact number, NUMBER, educational qualification, computer proficiency, experience आपका, salary expected. मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं. आपकी हॉबीज क्या क्या हैं. लैंग्वेज नो बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ रिसेप्शनिस्ट जॉब. हाउ मेनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक. दीज आर द मेन पॉइंट्स. यू हैव टू मेक अट्रैक्टिव रिज्यूम. नेम फादर्स नेम एंड यू हैव टू गिव ऑल इंफॉर्मेशन. राइट योर ऑल क्वालिफिकेशन दैट यू हैव. नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ रेजिडेंशियल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एक्सपीरियंस कितना है आपका. सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं आप. मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है. हॉबीज क्या है. लैंग्वेज कौन कौन सी आती है. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब. यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू फॉलो दिस सेम फॉर्मेट एंड डू यूर लेटर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब इन योर फेयर नोट. In your fair notebook in neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.